हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप पैडागोजी या फिर सीडीपी, जिसे आप बाल विकास कहते हो, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी कहते हो, आज की क्लास किसी ना किसी तरह से हर चैप्टर से रिलेटेड होने वाली है। इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल चैप्टर्स। जितने भी सिलेबस में चैप्टर्स हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन थोड़ा बहुत उसमें आएगा ही आएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने आर्मी पब्लिक स्कूल के नोट्स में जो छूट मिली है, डिस्काउंट मिली है, उसका फ़ायदा नहीं लिया है तो ले सकते हैं। मैं यहाँ पे लग रहा है कि कोई अनाउंसमेंट कर रहा हूँ किसी बड़े से सुपर मार्केट में कि इस पे ये छूट मिल रहा है, बट कोई नहीं। 399 में आप ये हैंड रिटन नोट्स एक्वायर कर सकते हो। आपके तैयारी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट समय में अगर आपके पास कुछ भी नहीं पढ़ने के लिए, तो ये आपके लिए रामबाण होगा। मैंने आर्मी स्कूल 3 टाइम्स क्वालिफाई करा है, ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इफ़ यू आर इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @imithunsinh। वहाँ से जो है आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। 100 रुपीज़ में आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी एक्वायर कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। अब कहीं भी रोक टोक या परेशानी समस्या नहीं आएगी। चलिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन। बात किसकी की जा रही है? इंक्लूसिव एजुकेशन की। इंक्लूसिव एजुकेशन आपको जब भी दिखे, इसका मतलब क्या होता है? इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब होता है जहां पे आप सभी लोगों को इंक्लूड करने की बात करते हो। अगर कोई बच्चा स्पेशल एबल है, यानी कि जिसे आप बोलचाल की भाषा में दिव्यांग या विकलांग बोल देते हो, डिसेबल, अगर वो भी है क्लासरूम में, अगर कोई लड़की है क्लासरूम में, कोई अगर शेड्यूल ट्राइब से है क्लास में, कोई अगर अलग अलग कम्युनिटी अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाला है, यानी कि ये पूरा क्लास जो है डाइवर्स क्लास है। अलग अलग कम्युनिटी के लोग यहाँ पे, अलग अलग ग्रुप के लोग आए हुए हैं, अलग अलग जो है जेंडर के लोग आए हुए हैं। जेंडर एक रॉन्ग वर्ड है, बट फिर भी तो आप इसे क्या बोलोगे? ये इंक्लूसिव क्लासरूम है। ये क्लासरूम कैसा है? इंक्लूसिव है। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब एक एक ऑप्शन को देखते हैं। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन वेयर इन स्टूडेंट विथ एंड विदाउट डिसेबिलिटी लर्न टुगेदर। देखिए बात किसकी की जा रही है कि यहाँ पे ऐसा सिस्टम है जहाँ पे जिसको डिसेबिलिटीज है और जिसको डिसेबिलिटीज नहीं है, वो एक साथ पढ़ते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि कोई डिसेबल भी हो सकता है, कोई बिल्कुल ही प्रतिभावान हो सकता है, गिफ्टेड चाइल्ड हो सकता है, क्रिएटिव चाइल्ड हो सकता है, या फिर अलग अलग कम्युनिटी या ग्रुप से आया हुआ बच्चा हो सकता है। पहली बात तो सही होगी। आगे देखते हैं अगले पॉइंट को। इट इज इंश्योरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रेन वाइल रिमूविंग एक्सक्लूशन डिस्क्रिमिनेशन। देखो बैरियर, दूसरा ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ रिमूविंग वर्ड ने आकर सारा काम जो है बिगाड़ दिया। इंक्लू जो एक्सक्लूशन है ये रॉन्ग वर्ड है, डिस्क्रिमिनेशन रॉन्ग वर्ड है, बैरियर रॉन्ग वर्ड है, लेकिन इन सारे चीज़ों को हटाने की बात की जा रही है, रिमूविंग की बात की जा रही है, तो दूसरा ऑप्शन भी आपका क्या होगा? बिल्कुल एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। इट व्यूज डिफरेंसेस बिटवीन चिल्ड्रेन एंड एडल्ट एज हिंड्रेंस फॉर द लर्निंग। देखिए अगर कोई बच्चा क्लासरूम में नहीं सीख पा रहा, दैट इज अपॉर्चुनिटी फॉर टीचर टू टीच इन अ डिफरेंट डिफरेंट वेज। आप जो है अलग अलग तरीके से बच्चे को पढ़ा सकते हो, सिखा सकते हो। ये आपके लिए अपने स्किल को अपग्रेड करने का मौका है आपके पास। तो ये इनकरेक्ट है। बाकी 1 और 2 क्या है? बिल्कुल एब्सोल्यूट करेक्ट है। ऑप्शन ए के साथ जाना था, जहां पे दोनों ही ऑप्शन को ऐड करा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इन अ क्लासरूम ऑफ अ डाइवर्स चिल्ड्रेन। एक ऐसा क्लासरूम है डाइवर्स, यानी कि अलग अलग बच्चे उसमें शामिल हैं, अलग अलग ग्रुप के, अलग अलग कम्युनिटी के, अलग अलग मदर टंग को बोलने वाले बच्चे शामिल हैं। दैट्स गुड। आगे बढ़ते हैं। विद चिल्ड्रेन फ्रॉम द डिसएडवांटेज कम्युनिटीज अ टीचर शुड। अगर यहाँ पे बच्चे आ गए हैं डिसएडवांटेज कम्युनिटी के, टीचर को क्या करना चाहिए? टोटली इग्नोर। जब भी ये वर्ड आए ना, अपने कान खड़े कर लो बिल्कुल खरगोश की तरह और उस ऑप्शन से निकल लो। कभी भी इग्नोर करने की बात नहीं की जाती है इंक्लूसिव एजुकेशन में, इंक्लूसिव एजुकेशन में किसी को एक्सक्लूड करने की बात नहीं की जाती है, किसी को सेपरेट या सेरिगेशन करने की बात नहीं की जाती है। अगला देखिए, इलिमिनेटिंग ऑल कल्चरल डिफरेंसेस वर्क टूवर्ड। देखिए आपको ऐसा काम करना है जहां से जो कल्चरल डिफरेंस है वो क्या हो जाए? खत्म हो जाए। नहीं, एलिमिनेट आपको नहीं करना है कि वर्ल्ड कल्चर जो है, किसी का कल्चर है वो खत्म हो जाए, ये भी रॉन्ग हो गया। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। रिकॉग्नाइज दैट डिफरेंसेस आर नॉट डिफिजिट। देखिए ये बड़ा अच्छा बात, ये अच्छी बात कही गई है तीसरे ऑप्शन में। क्यों? अलग अलग लोग आए हुए हैं, डिफरेंसेस है उनके बीच में, इसको आप जो है किसी तरह से जो है प्रॉब्लम के तरह नहीं ले सकते हो। ये क्या है? आपके लिए एसेट की तरह है। अलग अलग कम्युनिटी से लोग आए हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग आए हैं, तो आप एक दूसरे के साथ जो है अलग अलग लैंग्वेज को क्या कर सकते हो? कम्युनिकेट कर सकते हो, सीख सकते हो वन बाय वन। तो दोनों ऑप्शन तो फिलहाल ये क्या था? इनकरेक्ट था। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चौथे ऑप्शन को भी देख लेते हैं। आइडेंटिफाई चिल्ड्रेन हु कैन लर्न एंड फोकस ऑन देम ओनली। देखिए ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करना, किसकी बात हो रही है?
अलग अलग ग्रुप बनाने की बात हो रही है, तो ये काम आपको नहीं करना है। जब भी ओनली वर्ड दिखे ना, बिल्कुल खरगोश की तरह कान खड़े कर लो। ये ऑप्शन भी आपका कटा, ऑप्शन सी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रमोट लर्निंग इन इंक्लूसिव एजुकेशन। लर्निंग की प्रमोशन की बात की जा रही है कहाँ पे, इंक्लूसिव क्लासरूम में। देख लेते हैं कॉम्पिटेटिव, देखो ये भी जहां भी आपको कंपटीशन दिखे, कॉम्पिटेटिव वर्ड दिखे, बचना है आपको, कान खड़े कर लेने खरगोश की तरह, इससे बच जाना है। जब भी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की बात की जाए या स्टैंडर्ड मटेरियल की बात की जाए, उससे भी आपको बचना है। रिजिड यानी कि कठोर असेसमेंट नहीं, ये इससे भी आपको बचना है। फ्लेक्सिबिलिटी आपके क्लासरूम में होनी चाहिए। तो ये सब नेगेटिव वर्ड था। देखिए जब भी आपको दिखे कोलैबोरेटिव लर्निंग यानी कि बच्चा जो है एक दूसरे के साथ कोलैब करके सीख पाए, हो सकता है कि किसी को टेबल नहीं आता हो, मैथ्स में वो कमजोर है, इंग्लिश में अच्छा है, तो दोनों बच्चे एक दूसरे की हेल्प करके आगे बढ़ सकते हैं। दैट मींस बी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव एकोमोडेशन इन द क्लास एनवायरमेंट एज पर द नीड ऑफ अ स्टूडेंट विथ लोकोमोटर डिसेबिलिटी। सबसे पहले क्या एकोमोडेशन करेंगे क्लासरूम में, एनवायरमेंट कैसा रहेगा वो अलग बात है। सबसे पहले आप लोकोमोटर जो डिसेबिलिटीज है इसे समझ लो। लोकोमोटर डिसेबिलिटीज का मतलब होता है ऐसे बच्चे जिसे मूवमेंट करने में दिक्कत आती है, वो मूव करने में जो है असहज महसूस होगा। हो सकता है कि उसे पैरों में थोड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो चलना प्रेफर नहीं कर पाए, हाथों से जो है हाथों में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो मूवमेंट करने में जो प्रॉब्लम आए ऐसे बच्चे को लोकोमोटर डिसेबिलिटीज से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बातें हैं, आप कैसे इफेक्टिव बनाओगे एकोमोडेशन की बच्चा, ऐसे बच्चे जो मूवमेंट करने में जिन्हें परेशानी आ रही है वो ठीक हो जाए। देखते हैं एक एक करके, यहाँ से देखो ऑप्शन नंबर एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। प्रोविजन ऑफ बैरियर फ्री इन्वायरमेंट, बहुत अच्छी बात है। ऐसा इन्वायरमेंट आप रखोगे, जैसे सपोज कर लो कि स्कूल में बच्चा को अगर फर्स्ट फ्लोर पर जाना है तो रैंप होना चाहिए, जैसे कि वो व्हील चेयर पर रैंप के सहारे उसे वहाँ पर पहुँचाया जा सके, और अगर ग्राउंड फ्लोर भी है उसमें भी अगर ऊंचाई है तो रैंप होना जरूरी है, तो ये ऑप्शन तो सही है। इंश्योर फ्री मूवमेंट बाय प्लेसिंग फर्नीचर इन अ लेस रिस्ट्रिक्टिव मैनर, यानी कि क्लासरूम में बेंचेस आप ऐसे सेट करोगे कि बच्चा एक जगह से दूसरे जगह बिल्कुल फ्रीली मूव कर पाए, ज्यादा जो है बेंच वगैरह की जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से ना हो कि बच्चा को जाने में तकलीफ हो, ये भी अच्छी बात है। फॉलो द मल्टीपल मेथड ऑफ असेसमेंट, बहुत ही अच्छी बात है। अगर कोई बच्चा ठीक से नहीं समझ पा रहा है तो उसको उसका जो एग्जामिनेशन है वो आप कैसे ले लोगे, कि एक ही रिजिड तरीके से लोगे, नहीं, मल्टीपल तरीके से असेसमेंट करना, मल्टीपल तरीके से पढ़ाना, ये अच्छी बात है, याद रखिएगा। ये जो है पॉजिटिव वर्ड में आएगा। तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी के साथ आपको जाना था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टिपिकल इंडिकेटर ऑफ अ क्रिएटिविटी। बात किसकी की जा रही है, क्रिएटिविटी की। क्रिएटिविटी मतलब ये होता है कि किसी का कॉपी नहीं करना, किसी का कॉपी पेस्ट को आगे नहीं बढ़ाना, खुद से मौलिक यानी कि खुद का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। मौलिकता मतलब होती है खुद से ओरिजिन, आप जैसे समझ सकते हो कि किसी प्रोडक्ट का कहां से ओरिजिन हुआ है, तो क्रिएटिविटी में ओरिजिनलिटी की बात आएगी। चलिए देखते हैं क्या करके ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन देखो, नीड फॉर द रिपीटेड प्रैक्टिस, अगर आप बार बार एक ही चीज को करते रहोगे तो आप क्रिएटिव बच्चा बन पाओगे कभी नहीं, ये तो ड्रिल एंड प्रैक्टिस मेथड हो गया जो कि गलत बात है, ऑप्शन कटाइए। इनएबिलिटी टू कॉन्क्रीट, देखिए इसमें क्या बातें बताई गई है, इनएबिलिटी टू कॉन्क्रीट ये भी गलत है। रिस्क टेकिंग, हाँ बिल्कुल सही बात है कि अगर आप क्रिएटिव बच्चा हो तो आप रिस्क लोगे। फ्लेक्सिबिलिटी, बिल्कुल हो सकता है कि इस मेथड से अगर वो कोई इन्वेंशन कर रहा है, इस मेथड से नहीं हो पा रहा है तो वो अलग अलग मेथड तैयार करेगा। जब थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब बनाने की कोशिश करी थी तो 10,000 तरीके से उन्होंने बल्ब बनाने की कोशिश करी, हर बार वो फेल हुए, लेकिन उन्होंने जो है बल्ब बनाना है ये बात उन्होंने अपने दिमाग में रखी, लेकिन तरीका उन्होंने जो है अलग अलग चुना, अगर ये तरीका नहीं हो सकता है तो दूसरे तरीके से ढूंढा, दैट मीन्स वो फ्लेक्सिबल थे। आगे देखिए, इनटॉलरेंस फॉर बॉडम, यानी कि आप जो है जो परेशानियां आ रही है, जो दिक्कतें आ रही है उसे जो है झेलने के लिए तैयार हो, यानी कि आपके जो है बोरियत ना हो जाए तुरंत, बोरियत को जो है आप जो है नहीं नहीं अब छोड़ो ये काम नहीं होगा आप इसे छोड़कर जाना चाहते हो, नहीं, आपको जो है इंटॉलरेंस है कि आप जो है जो बोरियत है उसे भी झेल जाओगे, यानी कि लास्ट का थर्ड ऑप्शन तीनों जो है सही है, 3, 4, 5 इज राइट, ऑप्शन बी के साथ आपको जाना था जिसमें तीनों ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा, टू प्रमोट इंक्लूजन इन एजुकेशन इन अ टीचर शुड क्रिएट अ क्लास इन्वायरमेंट विच। बात किसकी की जा रही है, इंक्लूजन की बात हो रही है। इंक्लूजन का क्या मतलब होता है, जहाँ पे आप सभी वर्ग, सभी कैटेगरी के लोगों को, कम्युनिटी के लोगों को, हर तरह के बच्चे जो अलग अलग ग्रुप से हैं, अलग अलग कम्युनिटी से आते हैं, उन्हें एक साथ रखने की बात करते हो, दैट्स गुड।
अब टीचर को कैसा इन्वायरमेंट, क्लास का इन्वायरमेंट कैसा करना चाहिए? चलिए एक एक करके सारे ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन देखो, नर्चर एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी। देखो जहां भी डाइवर्सिटी बढ़ाए ये आपके लिए फ्रूटफुल होता है। सही बात है, अगर क्लासरूम में आप डाइवर्सिटी को नर्चर करोगे, बढ़ावा दोगे, दैट्स वेरी गुड। आगे देखिए, प्रमोट स्टीरियोटाइप, बिल्कुल नहीं, लेबलिंग नहीं करना है आपको, ये नेगेटिव वर्ड है, खरगोश की तरह कान खड़े कर लो। स्टीरियोटाइप भी गलत बात है, आप स्टीरियोटाइप में बोलोगे कि कोई लड़का गाना नहीं गाएगा, लड़कियां ही गाना गाएगी, क्योंकि लड़कियों की आवाज़ जो है वो सुरीली होती है, मधुर होती है, मेलोडियस होती है, तो आपको ये काम नहीं करना है। अगर कुछ सामान या फिर कोई कबड्डी खेलना हो तो आप लड़कियों को मना कर दोगे कि नहीं तुम नहीं खेलने जाओगे, लड़के जाएंगे, ये लड़कों का गेम है, ये काम नहीं करना। ये स्टीरियोटाइप और लेबलिंग का काम नहीं कर सकते। लड़कियां मैथ में कमजोर होती है ऐसा अगर आप बोल रहे हो, दैट मीन्स आप स्टीरियोटाइप हो, ये रॉन्ग हो गया। तीसरा ऑप्शन देखिए, नर्चर द एंटिटी बिलीव अबाउट एबिलिटी, यानी कि आप किसी के ऊपर लेबल लगा दोगे कि तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है, तो ये भी रॉन्ग है, दैट इज रॉन्ग। प्रमोट कॉम्पिटिटिव, देखो मैंने कहा था ना ये कॉम्पिटिटिव वर्ड जहां दिखे आपको इससे दूर रहिएगा, लेकिन पूरा सेंटेंस जरूर पढ़ देना। आप बात की जा रही है कि स्टूडेंट के बीच जो है कॉम्पिटिशन को बढ़ावा देना, बिल्कुल नहीं। एक मैं एग्जांपल देता हूं, आप तुरंत समझ जाओगे। अगर किसी एलिफेंट को बोल दिया जाए कि पेड़ पर जल्दी से चढ़कर दिखाओ, गिलहरी उससे तेज चढ़ जाएगी, स्क्वायरल, तो क्या हाथी कमजोर हो गया गिलहरी से? बिल्कुल नहीं। अगर आप हाथी को बोलोगे जल्दी से स्विम करके दिखा दो, तो मछली वहां पे उससे ज्यादा तेज हो जाएगी, तो हाथी ना पेड़ चढ़ पा रहा है ना पानी में तैर पा रहा है, फिर भी हाथी क्या दोनों से कमजोर है या फिर किसी भी तरह से कम है? नहीं ना। यानी कि कुल जमा बात यह है कि आप मछली को दौड़ने के लिए नहीं बोल सकते हो, तो हर किसी की अलग अलग एबिलिटीज है, तो अलग अलग तरीके से वो आगे बढ़ेगा, यानी कि डाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन, यानी कि क्लासरूम में इंक्लूजन अगर आपको करना है डिसएडवांटेज ग्रुप का, मान लेते हैं कि कोई आदिवासी समुदाय से आता है या फिर कोई इंडेंजर्ड जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं उन्हें बोलना समझना नहीं आ रहा है, तो क्या इंपॉर्टेंट है, उनको जो है अलग से आप पढ़ाओगे? देखिए जहां भी ओनली की बात आ जाए, सेपरेशन की बात आ जाए, इससे आपको बचना है, ये रॉन्ग है। प्रमोट सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमोंग देम, देखिए आप ऐसा सेंस बिलोंग जो है डेवलप करा दोगे कि प्रमोट करोगे, अच्छी बात है, नहीं, प्रमोशन की बात नहीं आती है, प्रमोट करना अच्छी बात है बट यहां वो सही नहीं होगा। आप इग्नोर करोगे उनके सोशियो कल्चर को, नहीं, ये भी आपको काम नहीं करना है, उनके कल्चर को या फिर उनके बिहेवियर को आपको जो है नीचा नहीं दिखाना है। अगला ऑप्शन देखो, मेक ट्यूशन टेकिंग आफ्टर स्कूल कंपल्सरी फॉर देम, आप उनको बोलोगे नहीं आप जो है ट्यूशन वाला क्लासेस जो है क्लास स्कूल के बाद जाके लो, नहीं, ट्यूशन भी एक रॉन्ग वर्ड है। आपको क्या करना है, देखो यहां पे देखो ये ऑप्शन एक्चुअली सही था, प्रमोट सेंस ऑफ बिलोंगिंग, यानी कि आप उनको बिलीव कराओगे कि आप जो है इसी ग्रुप से बिलोंग करते हो, आप जो है प्रमोट कराओगे कि भैया आप इसी जगह से बिलोंग करते हो और आप पढ़ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, कॉन्फिडेंस देने की बात आएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट विथ डिसकैलकुलिया, देखो डिसकैलकुलिया का मतलब होता है जिसको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आए, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आए। अब देखिए कैलकुलेशन में किसे प्रॉब्लम आएगी, जिसको मैथ्स में प्रॉब्लम आ जाएगी, और मैथ्स में कैलकुलेशन के प्रॉब्लम को क्या कहा जाता है, डिसकैलकुलिया। ऑप्शन पढ़ लो, जिसे ड्राइंग में, रनिंग में, सिंगिंग में नहीं, मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होगी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन बिकम अ बैरियर, बैरियर मतलब रुकावट होने वाली बात आ रही है, ऐसा आप काम करोगे, ऐसा रूल ला दोगे कि इंक्लूसन फॉर स्टूडेंट विद द विजुअल, देखो अगर कोई देख नहीं पा रहा है उसके लिए क्या बैरियर है, क्या दिक्कतें आ सकती है? ब्रेल बुक, देखिए अगर कोई देख नहीं पा रहा है उसे ब्रेल बुक दोगे तो वो पढ़ लेगा, आगे बढ़ जाएगा, अच्छी बात है। टेक्टिकल मैप्स, आप उसे टेक्टिकल मैप दिखा दोगे कि कहाँ पे कैसे आगे बढ़ना है जाना, ये भी बहुत अच्छी बात है, जो देख नहीं पाते हैं, विजुअली चैलेंज पीपल हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। असेसमेंट असिस्टेंस फॉर स्क्राइबर्स, यानी कि एग्जाम में उनके लिए कोई और बैठेगा, आई मीन उनके लिए नहीं, वो सिर्फ उनको असिस्ट करेगा, उनको क्वेश्चन पेपर पढ़कर सुनाएगा और उनके लिए लिखेगा, स्क्राइब का ये मतलब होता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। रिटन एग्जाम बहुत बुरी बात है, आप जो देख नहीं पा रहा उसको रिटन एग्जाम लोगे, दैट्स नॉट गुड, डी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टूडेंट विथ ऑटिज्म, देखिए ऑटिज्म की अगर मैं बात करूं, आपको दो मूवी में रिकमेंड करूंगा, वो मूवी आपने देखी होगी तो आपको आइडिया लग जाएगा। पहली मूवी है माय नेम इज खान, आपने देखी होगी कि नहीं देखी मुझे नहीं पता, माय नेम इज खान। दूसरी जो मूवी है उसका नाम क्या है, उसका नाम है बर्फी। बर्फी में भी जो है प्रियंका चोपड़ा और माय नेम इज खान में शाहरुख खान, दोनों ऑटिज्म के शिकार लोग थे। देखिए ऑटिज्म के शिकार मतलब कि
ऑटिज्म में क्या होता है ना, वो एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना चाहता है, वो नए चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करता है, नए चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है ऑटिज्म में। अब देखिए, अर्ज टू फ्रिक्वेंट चेंजेस, वो अपने रूटीन में कोई भी चेंजेस नहीं चाहता है, अपनी चीज़ें जहाँ पे रखी हुई है वहीं पे उसे रखी हुई मिलनी चाहिए, दैट्स नॉट करेक्ट। आगे देखिए, कम्युनिकेबल स्किल इनकी अच्छी नहीं होती है, जिनका ऑटिज्म होता है वो अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं। तीसरा देखो, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, इनके अंदर वो बात नहीं आती, ऑटिज्म से जो पीड़ित हैं ये बात उनके अंदर नहीं आएगी, वो रिपीटेटिव बिहेवियर को प्रेजेंट करेंगे, वो बार बार एक ही चीज़ को बोलेंगे, दैट्स मीन्स आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। रेशमा जो है पढ़ रही है, बहुत अच्छे से पढ़ रही है, 3 साल की उम्र में वो जो भी किताबें मिलती है घर में पढ़ जाती है, दैट्स वेरी गुड। अब रेशमा जो है किस तरह के गुण को, किस तरह के जो है रिप्रेजेंट कर रही है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, देखिए 3 साल का बच्चा अगर आप देखोगे जो FLN है उसमें बातें बताई गई है कि कोई भी बच्चा जो है 9 साल तक में, अगर उसकी एज 9 ईयर्स हो गई है तो वो अच्छे से पढ़ ले, बेसिक्स मैथमेटिक्स कर ले, जोड़ घटाव गुना भाग, एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लीकेशन डिवीजन आ जाए उसे, रीड करना आ जाए, राइट करना आ जाए। लेकिन यहाँ पे रेशमा 3 साल में धड़ल्ले से सारे किताबों को पढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, वो ऑटिज्म से पीड़ित है नहीं, डिसलेक्सिया है उसे नहीं, डिसेबिलिटीज है नहीं, वो जो है गॉड गिफ्टेड है, यानी कि गिफ्टेड उसके अंदर है, गिफ्ट वो बोलते हैं ना गॉड गिफ्टेड चाइल्ड, वैसी बात है। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन इज नॉट करेक्ट, देखो यहाँ पे नॉट वाले वर्ड पे आपके कान खड़े होने चाहिए खरगोश की तरह, देखो क्या क्या बातें बताई गई है और कौन सा इनकरेक्ट होगा ऑप्शन, देख लेते हैं एक एक करके। इट रिगार्ड्स इंक्लूजन एंड इंक्लूसन एंड एक्सक्लूसन एज अ कनेक्टेड प्रोसेस, नहीं ये नहीं होगा। देखो मैं बताता हूँ ऐसा क्यों नहीं होगा, कि आप इंक्लूसन को भी और एक्सक्लूसन को भी जो है कनेक्ट फील करा दोगे, ये रॉन्ग है। आगे देखो, इंक्लूसन इज अ फोकस्ड ऑन अडेप्टिंग द करिकुलम फॉर अ स्पेसिफिक ग्रुप फॉर स्टूडेंट हु आर डिसेबल, देखिए यहाँ पे क्या बातें बताई गई है, कि ये भी नहीं होगा, अब तो आंसर यही हो जाना चाहिए था, लेकिन आगे देख लेते हैं, ये आंसर उससे भी खराब आंसर यहाँ पे ये है कि इंक्लूसन जो है जो अडेप्ट करके कुछ बच्चों को रख रहे हैं उसी पे फोकस करेगा, उसी को सिर्फ पढ़ाएगा, नहीं। आप इंक्लूसन में क्या करते हो, सभी बच्चों को इक्वली जो है अपॉर्चुनिटी देते हो, अगर कोई कमजोर है उसे आप एक्स्ट्रा जो है केयर करके आगे बढ़ा लोगे, यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक ग्रुप की बात नहीं आएगी, तो ये तो इनकरेक्ट होगा ही, ये डबल इनकरेक्ट हो जाएगा। इंक्लूसन बेनिफिट्स ऑल स्टूडेंट, बिल्कुल सही बात है, अगर आप इंक्लूसन करोगे तो सभी का भला होगा। इंक्लूसन इज अ प्रोसेस विच द स्कूल अटेम्प्ट्स टू रिस्पॉन्ड ऑल चिल्ड्रन एज इंडिविजुअल, बिल्कुल सभी लोगों को एक साथ रखना है, लेकिन सभी को इंडिविजुअली जो है देखना भी है, यानी कि अगर कोई हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा हो दूसरे में वो अच्छा नहीं हो, ये भी आपको एक्सेप्ट करने वाली बात है, तो ये तो करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट हो गया, ये थोड़ा सा करेक्ट हो गया, लेकिन जो सबसे इनकरेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे आप जो है स्पेशल ग्रुप बनाने वाली बात नहीं करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो असर्टेशन दिया हुआ है और उसका रीजन दिया हुआ है, पढ़ते हैं पहले। इन अ क्लासरूम ऑफ अ डाइवर्स लर्नर, अलग अलग तरह के लर्नर हैं, ये बात पता हो गई आपको। अब वहाँ पे ऑटोनॉमी दे दोगे आप बच्चों को, फ्लेक्सिबिलिटी कर दोगे करिकुलम में, कि पढ़ाई में जो है आप बच्चों को स्वायत्तता दे दोगे, ऑटोनॉमन का ये मतलब हुआ कि वो खुद से चीज़ों को कर पाएं, लचीलापन आप दे दोगे करिकुलम में, ये अच्छी बात है, बिल्कुल ये सही बात है। दूसरे ऑप्शन को पढ़ते हैं, चिल्ड्रेन लर्न बेटर व्हेन दे टेक ऑनरशिप एंड देयर लर्निंग नीड्स आर अकोमोडेटेड, यानी कि बच्चा तभी अच्छा पढ़ पाता है जब उसे जो है आप ऑनरशिप दे दोगे, बच्चा खुद से अगर आप बोल दोगे कि कोई एक ड्राइंग बना कर लाना, अगर आप बोल दोगे कि नहीं आप सभी को जो है वो पहाड़ और उसके नीचे अंदर बगल से जो है सूरज निकल रहा है वो वाली ड्राइंग बना के लानी है, ये क्या हो गया, ये रॉन्ग वाली बात हो गई। आप बच्चों को खुद से बोल दो कि कोई एक ड्राइंग बना कर लाओ, हो सकता है कि वो भैंस का पिक्चर बना के ले आए, हो सकता है कि वो बैलगाड़ी का पिक्चर बना के ले आए, ट्रैक्टर का पिक्चर बना के ले आए, तो ऑनरशिप आप वहां पे दे रहे हो बच्चे को, दैट मीन्स बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन देखो कौन सा सही हो जाएगा, बोथ आर फॉल्स नहीं होगा, देखो ये वेट अ मिनट, यहाँ पे दोनों ही फॉल्स लिखा गया है, सॉरी एक्चुअली ए भी सही है और बी भी सही है, यहाँ पे ये होना चाहिए था, दोनों ट्रू हैं, बोथ आर ट्रू। आगे बढ़ते हैं, और ये नहीं यहाँ पे है ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन ए सही है, ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है एक्सप्लेन कर रहा है ए को, बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी टू एड मोबिलिटी, देखिए मोबिलिटी की बात जब भी आएगी यानी कि मूव करने की बात, मैंने अभी आपको बताया टू मूव का मतलब होता है मोबिलिटी। अब देखिए कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा, कि अगर उसे जो है प्रमोट करोगे, अगर कोई बच्चा आगे बढ़ने में मूव करने में उसे दिक्कत आ रही है तो उसे क्या असिस्टेंट आप प्रोवाइड करोगे कि वो आगे बढ़ पाए आगे जा पाए। वॉकिंग स्टिक दे दोगे, बिल्कुल सही बात है, वॉकिंग स्टिक से वो आगे बढ़ पाएगा अगर किसी को पैरों में दिक्कत है तो।
आगे देखिए ब्रेल सिस्टम, ये तो पढ़ने वाली बात हो गई, यहाँ तो मूव करने की बात हो रही है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। हियरिंग एड, अगर कान में उसे प्रॉब्लम हो रही सुनने में तो आप उसे हियरिंग एड दे दोगे तो वो मूव करने से क्या लेना देना, ये भी गलत हो गया। मैग्नीफाइंग ग्लास देकर वो मूव कर पाएगा क्या, वो चीज़ों को बड़ा करके देख पाएगा, सही क्या हो जाएगा आपका, मूव वॉकिंग स्टिक, ये इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू इंगेज स्टूडेंट विद द विजुअल चैलेंजेस। देखिए किसकी बात की जा रही है, नॉट ध्यान में रखना है, इफेक्टिव तरीका नहीं है, जो विजुअली चैलेंज है, जो देख नहीं पा रहे हैं, वो स्पेशल तरीका नहीं है। प्रोवाइड लीस्ट रिस्ट्रिक्शन एनवायरनमेंट इन क्लासरूम, ये तो अच्छी बात है ना कि आप रिस्ट्रिक्शन नहीं दोगे, रिस्ट्रिक्ट नहीं करोगे बच्चों को, ये तो अच्छी बात है, ये तो नॉट में नहीं आएगा। इलिमिनेट अननेसेसरी ऑब्स्टेकल फ्रॉम क्लासरूम, बिल्कुल सही बात है, ताकि बच्चा मूव कर पाए, वो जो नहीं देख पा रहा है या नहीं देख पा रही है वो आगे बढ़ पाए, बहुत अच्छी बात है। प्रेजेंट द कॉन्सेप्ट इन मल्टीपल वे, देखो जब भी मल्टीपल वे आ जाए तो ये और अच्छी बात हो जाती है। चौथा ऑप्शन देखते हैं, फोकस ऑन सेग्रीगेशन, यहीं पे गड़बड़ हो गई सारी बात, सेपरेट सेग्रीगेशन नहीं करना है आपको इंक्लूसिव एजुकेशन में, दैट मींस नॉट पूछा गया था, और नॉट का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं, व्हाट इज क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी क्या है, मैंने आपको क्या बताया क्रिएटिविटी क्या है, जो खुद से चीजों को कर पाए बिना कॉपी पेस्ट के, बिना किसी के, ड्रिल एंड प्रैक्टिस मेथड से, और वो क्या हो, ओरिजिनल आइडिया हो, ओरिजिनल चीज की गई हो। देखते हैं कि करके, एबिलिटी टू क्रिएट और डिस्कवर समथिंग दैट इज नॉवल, बिल्कुल सही बात है, जो पहले नहीं किया गया उसे ही नॉवल बोलते हैं, दैट्स गुड। एबिलिटी टू रिपीटेटिव परफॉर्म, देखो बार बार एक ही चीज को वो अगर करेगा तो ये क्रिएटिविटी नहीं कही जाएगी। आगे देख लेते हैं, रोट मेमोराइजेशन, देखो आप किसी चीज को रोट कर लोगे, रट के पढ़ लोगे, तो ये क्या है, क्रिएटिविटी नहीं है। कंजर्वेटिव थिंकिंग नहीं, ये भी रॉन्ग है। अगर मैं पूछ दूं भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, आप बोलोगे नरेंद्र मोदी, ये क्या, ये कंजर्वेटिव नहीं, ये तो कंजर्वेटिव थिंकिंग है। अगर मैं डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करूं तो आपसे पूछ दिया जाए कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री कैसे बने, उनका क्या क्या रीजन है, तो आप ढेर सारे जो है अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीजों को रख सकते हो, तो ये हुआ डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग अच्छा नहीं होता है, दैट मीन्स ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, तीनों ऑप्शन पीछे वाले कट गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से एक रीजन दिया गया है, एक आंसर दिया गया है, एक एक करके देख लेते हैं इसे, क्या बोला गया है यहाँ पे, इन ऑर्डर टू कैटर द नीड्स ऑफ स्टूडेंट बिलोंग टू डाइवर्स सोशियो इकोनॉमी बैकग्राउंड, अ टीचर शुड अडॉप्ट स्टैंडर्डलाइज्ड कैरिकुलम। देखो गलत बात है, अलग अलग बच्चे हैं यहाँ पे, देखो कहाँ गई, ये रहा डाइवर्स, डाइवर्सिफिकेशन की बात की जा रही है, और आप बोल रहे हो कि सभी के लिए एक ही करिकुलम रख देंगे, पहला तो रॉन्ग हो गया। दूसरा देख लेते हैं, जहां भी ये स्टैंडर्ड वर्ड मिले ना, दूरी बनाए कर रखे आप, बिल्कुल दूरी बना लो आप, यहाँ पे बात की जा रही है अलग अलग लोग हैं और आप स्टैंडर्ड वाली बात कर रहे हो, तो ये दोनों इनकरेक्ट है। कहाँ पे दोनों इनकरेक्ट है, देखो बोथ आर फॉल्स, डी आपका सही जवाब हो जाएगा, दोनों क्या है, इनकरेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ ए स्टूडेंट बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब्स इट इज इंपॉर्टेंट टू, यानी कि आप किसी का सक्सेसफुल इंक्लूजन कब कराओगे, अगर वो शेड्यूल ट्राइब से हैं, एसटी से बिलोंग करते हैं, तो आप क्या करोगे, टीच इन अ लैंग्वेज प्रेफर्ड बाय द डोमिनेट ग्रुप। मान लेते हैं ये लोग कम हैं, एसटी लोग कम हैं, और आप जो है अगर क्लासरूम में ज़्यादा हिंदी बोलने वाले हैं, तो आप क्या करोगे, हिंदी बोलने वाले लैंग्वेज को ही प्रेफर करके पढ़ाओगे, ये तो रॉन्ग हो गई बात है। यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब को आप वैल्यू नहीं दे रहे हो, ये तो रॉन्ग हो गया। आगे देखिए, इग्नोर देयर कल्चर नॉलेज, जब भी बात आ जाती है इग्नोर करने की, दूरी बनाइए आप, आपको उनके नॉलेज को इग्नोर नहीं करना है, उनके एक्सपीरियंस को इग्नोर नहीं करना है। प्रोवाइड एजुकेशनल मटेरियल डेवलप्ड इन देयर लोकल लैंग्वेज, सही बात है, आप जो है अगर वो मदर टंग जो है उनकी पहले से कोई है, आप कोशिश करोगे कि जो स्टडी मटेरियल है उनके मदर टंग में दी जाए, ठीक बात है। आगे देख लेते हैं, मेंटेन सोशल डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस मेंटेन नहीं करना है, साथ में आने की बात हो रही है, तो ये भी ऑप्शन आपका कट गया, सी आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, स्टूडेंट विथ डिसलेक्सिया आर लाइकली टू, डिसलेक्सिया यानी कि जिसे पढ़ने में दिक्कत हो, पढ़ने में जैसे कि वो वाच को क्या पढ़ लेगा, 100 पढ़ लेगा, समझ रहे हो मेरी बात को, 9 को 6 पढ़ लेगा, तो ऐसे में ये जो है ये क्या होता है, स्टूडेंट जो है डिसलेक्सिया से होंगे उन्हें क्या दिक्कत आएगी, वो जो है ईगरनेस दिखाएंगे कि मुझे बहुत लंबे लंबे ऐसे लिखना है, अरे भैया ये पढ़ने में प्रॉब्लम है, ये लिख कहाँ से सकेगा, वोकैबुलरी इनकी ठीक हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। और ये जो देखो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, रिडुटेंट टू रीड, बिल्कुल ये पढ़ नहीं पाएंगे सही से, डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम अ बैरियर, बैरियर मतलब रोकने की बात की जा रही है, इंक्लूसन ऑफ स्टूडेंट विद द विजुअल, देखो जो देख नहीं पा रहे उनके लिए क्या बाधा बनेगी,
ऑडियो टेप नोट्स ये बाधा तो नहीं बनने वाली है, ये बाधा बनेगी क्या? ऑडियो टेप आप अगर उसे दे दोगे तो वो सुनकर आगे बढ़ जाएगा, अच्छी बात है। ब्रेल बुक दे दोगे तो वह भी पढ़ लेगा। वर्बल डिस्क्रिप्शन ऑफ विजुअल एड्स, ये भी सही बात है, आप उसे सुना दोगे, दैट्स गुड। अब देखो रिटेन और प्रिंटेड दे दोगे तो जो देख नहीं सकता है वो रिटेन वाले वो को जो प्रिंटेड मटेरियल है या रिटेन मटेरियल है उसका वो क्या करेगा, कोई उसके लिए बेनिफिट वाली बात नहीं है, डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये मैंने बीस क्वेश्चन कराया, अगर आपको इसकी पार्ट टू भी चाहिए कि पार्ट टू भी चाहिए, 20-30 क्वेश्चन और करा दिया जाए रिगार्डिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, प्लीज़ डू कमेंट, आप नीचे कमेंट करके बताएंगे इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट टू आपको चाहिए। फिर से दोहरा दूं, 399 में आप मेरे हैंड रिटन नोट्स एक्वायर कर सकते हो, यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो, इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, हैव अ गुड डे।